दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं एक नए फार्म पे और नया टेक्नोलॉजी की खेती हम लोग देखने वाले हैं, टेक्निकल खेती। और ये खेती है करेले की। हमने इससे पहले खीरा का वीडियो किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। और ये करेला का जो फार्म है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कम कैपिटल में भी बहुत अच्छी खेती करनी चाहिए। बहुत आप टेक्निकली में जितना जाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान पे रखना होगा। हमारे साथ में दो युवा किसान जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बात कराने वाले हैं आपको, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदे की बातें आपके सामने आने वाली है। दोस्तों हमारे साथ में दो युवा किसान हैं जिनसे आपने पहले भी मुलाकात कर ली है, और आज हम इनके साथ में हैं करेले के खेत में। करेला एक ऐसा फसल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, चाहे वो शुगर पेशेंट हो या नॉर्मल हो, सभी को ये बहुत यूज टू होता है ये फसल। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए एक बार अपना। मेरा नाम सुजीत वैद है, मैं गणेशपुर का रहने वाला हूँ। और आप बता दीजिए एक बार। मेरा नाम गोपाल विश्वास है। हम तीनों ही सूरजपुर जिले के निवासी हैं और खेती के एक्सपर्ट हो चुके हैं अब हमारे जो युवा वर्ग हैं, और इनका कहना है कि वीडियो भी देखते हैं बीच बीच में आपका, और उससे भी कुछ कुछ सीखते हैं। तो आज कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम लोग इनसे कुछ सीखने आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें कि आप इससे पहले खीरा लगा चुके हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब करेले में क्यों आए आप? खीरा से जो बेनिफिट मिला हमको, तो आप बेनिफिट उसी में कमाते रहते हैं, करेले में लोड लेने की क्या जरूरत है? खीरा का जो फसल है ना वो बहुत कम दिन का है। अच्छा, मतलब तुरंत, मतलब जल्दी होता है, जल्दी होता है, इंड भी जल्दी होता है। ओके। वो मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा 65-70 दिन में इंड। और करेला? और करेला जो है थोड़ा लंबा खेती है। अच्छा। इसको हम लंबा समय तक लेते हैं खेती, पूरा बरसात तक, पूरा बरसात तक। और हम लोग का मेन टारगेट जो था ये करेला ही था। अच्छा। बस खीरा को तो हम लोग करेला को मेंटेन करने के लिए उसको लगाए, ताकि उसमें से कुछ पैसा आता रहे, इसमें मेंटेन होते रहे। ओके। अभी ये चल रहा है, अप्रैल का महीना है, और आप कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक चलेगा, मतलब बारिश? बिल्कुल बिल्कुल। यह बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें हम लोग खूंटा देख रहे हैं और गजब का डिजाइनर रस्सी देख रहे हैं। यहाँ पे जो रस्सी है ये बिल्कुल जाल की तरह ऐसे फंसा हुआ है, और हमने इससे पहले ऐसे वाले जिगजैग वाले रस्सी देखे थे, तो ये रस्सी का क्या काम है धागे का ऊपर में जो आपने दिया? इसको अपने भाषा में ना माचा बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, फ्रूटिंग जो है ना ऊपर में, जब पूरा इसका जो ये नार है ये ऊपर में जब चले जाएगा तो इसका मतलब डिस्टेंस अच्छा मिलता है। ओके। और उसमें फ्रूटिंग अच्छा होता है। गर्म नहीं होगा ये बहुत ज्यादा? नहीं, धूप से गर्म नहीं होगा ज्यादा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे से एक रस्सी आई हुई है नीले रंग की, वो अब बीच में भी आपने बांध दिया है, और बीच में बांधने के बाद में दोनों तरफ से धागे हैं। हमारी हाइट लगभग 5.5 फीट है, और अब ये जो है ये 6 फीट पे आपने दिया है, तो ये अब दोनों तरफ से ये कवर कर लेगा, और फ्रूटिंग आपका कहना है नीचे? हाँ, नीचे आ जाएगा बीच में। तो अब जबरदस्ती का ये खर्चा करने से अच्छा नीचे हो जाता तो क्या दिक्कत था? नीचे ये होता है ना कि इसमें एक बहुत ज्यादा बीमारी आता है, तो ज्यादा घना हो जाने से ना डाउनी पाउडर एक होता है जिससे पत्ते झुक जाते हैं, और वो इतना फास्ट में ग्रो करते हैं ना, वो जो डाउनी पाउडर रहता है वो बहुत ज्यादा मतलब हावी हो जाने से ना आपका खेत मतलब 24 घंटे में ना वो मतलब बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको ऊपर कर दिए। अब वो फ्रूटिंग भी जो है ना ऊपर करने के माचा के ऊपर चढ़ गया ना, तो एक बार आपका फसल लटकते रहेगा, अब आपका फसल लंबे समय तक चलते रहेगा, चलेगा। अच्छा। और इसमें क्या है ना, ज्यादा मतलब बोला जाए तो घना हो जाएगा ना, तो वो फिर फ्रूटिंग भी कम देगा, फ्रूटिंग भी कम देगा, चलने फिरने में दिक्कत आएगा, बहुत प्रकार का परेशानी आता है, इसीलिए इसको माचा बना देते हैं। लागत भी ज्यादा लगी होगी? हाँ, थोड़ा सा तो लगेगा। आप मुझे बता दीजिए, लागत पे आ गए हैं तो लागत के बारे में बता दीजिए, कितना रुपए आपने लगाया होगा, कितने जगह पे आपने करेला लगाया? मेरा लगभग 2.5 एकड़ में करेला है, इसमें मैंने बीज लगाया है लगभग 2 किलो 800 ग्राम। लगभग कितने रुपए का बीज होगा, कौन सी? लगभग इसमें ये वैरायटी है मेरा आर्यन लगा है, नंगू सीड्स और करिश्मा लगा है। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मेरे को तो धर्म संकट में डाल दूंगा। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं आर्यन हमेशा यूज करता था, मैं 3-4 साल से करेला लगा रहा हूँ, तो 3-4 साल से करेला लगा हूँ, तो मेरे को इस बार थोड़ा सा वैरायटी को चेंज किया जाए। ओके। तो आपने एक आर्यन लगाया? हाँ, आर्यन यूज करता था, यूज हमेशा किया हूँ, आर्यन लगाया हूँ। मैं इस बार करिश्मा को ट्राई करने के बेस पे थोड़ा सा लगाया है। अब बता दीजिए कौन सा अच्छा है। मेरे हिसाब से तो देखिए
आर्यन ही मेरे लिए बेस्ट है। अब देखते हैं इस बार फ्रूटिंग से पता चलेगा कि करिश्मा का क्या रिजल्ट है। ओके, अब मैं उसको भी खराब नहीं बोल सकता ना। हम लोग उसके बाद भी वीडियो बनाते रहेंगे कि अच्छा है, आपको कौन से पे कंपनी आपको ज्यादा गिफ्ट दे रही होगी, गिफ्ट दे रही होगी इस पे बात। मुझे बताइए जरा कि इसमें बांस जो लगा है, कितना बांस लगा है इसमें? इसमें एक एकड़ के हिसाब से मेरे को लगभग 850 से 900 बांस लगा है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, लंबा खेती है तो इसको थोड़ा सा ना, इसको डिस्टेंस थोड़ा पास पास में देना पड़ता है बांस का। 700 में भी काम चल, हाँ 700 में भी काम चल जाता है। खीरा वगैरह में 700 में काम चला सकते हैं, लेकिन ये करेला जो है लंबा खेती है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्टेंस आप 3-4 महीना चलाएंगे तो कम से कम पास पास में रहे, क्योंकि हवा तूफान वाला टाइम भी है। हम लोग अब आगे बात करेंगे मल्चिंग, ड्रिप और धागे के बारे में। आप मुझे इसके थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए कि आपने इसको लगाया कब था। मैं इसको लगाया हूँ 14 फरवरी को। अच्छा, और ये मेरा लगभग अभी फ्रूटिंग, मेरे ख्याल से अभी फ्रूटिंग स्टेज है, हमने देखा। फ्रूटिंग स्टेज, चाहे तो तोड़ सकता हूँ, और कुछ दिन में मतलब 4-5 दिन में मैं इसका फ्रूटिंग, फर्स्ट फ्रूटिंग लूंगा हार्वेस्टिंग। दोनों का आर्यन और करिश्मा दोनों साथ में तैयार हुआ है। जी दोनों साथ में तैयार हुआ है। एक सवाल सबके मन में रहता है, जैसे ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हम लोग ये फेस करते हैं कि धागे को बांधते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप ये खूंटे बांधे, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। आपने ये खूंटा गाड़ा और इसमें एक सपोर्ट आपने दिया, इसकी कितनी जरूरत है इस सपोर्ट की? ये जब लोड पड़ता है ना, जब इसका वजन, हाँ, वजन, हाँ। जैसे ये नार जो है ऊपर चढ़ गया, हाँ। फ्रूटिंग आ गया, फल पूरा टंग रहा है इसमें। अच्छा, फल पूरा आ रहा है तो इसका जो वेट होता है ना, लोडिंग जो खिंचाएगा, हाँ। तो ये जो आने नहीं, जब लोडिंग होता है ना तो इसमें ना कुछ चीज पड़ता है, इसका जो वजन है, हाँ। उसको संभालने के लिए आपने, हाँ, इसका वजन नहीं, हाँ। ये जो है ना, इसका वजन संभालने के लिए ये फिर झुक जाएगा उधर। ओके, इसीलिए इसको खींचे रखने के लिए ये इसको बांधा जाता है। स्टेकिंग आपने, हाँ, यहाँ स्टेकिंग स्टे मारा जाता है इसमें। अब हम लोग कहीं कहीं करेले देखने शुरू कर रहे हैं, और इसमें भी वैसा ही है जैसा कि हमने खीरा में देखा था कि हर गांठ पे फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग हर जगह पे होनी चालू हुई है। ये 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये भी धागा दिखा दीजिए, जो वाइट धागा है, इसकी कितनी जरूरत है। और नीचे में एक धागा आपने और लगाया, वो भी दिखा दीजिए। ये जो धागा है, इसको हम लोग इसको ऐसे करके इसको मोड़ के, हाँ, धीरे धीरे ये ऊपर में चढ़ते जाएगा। ये यहाँ तक चढ़ गया, उसके बाद आपको इधर बस इसको पास कर देंगे ऊपर में, ये पास हो गया जैसे। अच्छा, अब इसको जरूरत नहीं है पकड़ाने की? नहीं, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर में वो खुद से छावनी टाइप से बना लेगा पूरा। ये पूरा का पूरा अपना छत बना लेगा, ये गुफा जैसा बन जाएगा। अभी हम लोग जैसे ये पौधे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है? यहाँ हम लोग फ्रूटिंग देख रहे हैं, तो हर गांठ पे ये फ्रूटिंग है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ देखेंगे हर जो गांठ है वहाँ ऐसे ऐसे पूरी फ्रूटिंग हो रखी है। और लगभग कितने दिन का आपने बताया? ये मेरा पौधा है आज 14 फरवरी को। 14 फरवरी और 2 महीना, ठीक 2 महीना हो चुका है। करेक्ट, एक्यूरेट 62 से 63 दिन हुआ है मेरा पौधे का उम्र, और कल परसों में इसमें पहली फ्रूटिंग हो जाएगी। फर्स्ट कल परसों होगा। सबसे ज़्यादा जो समस्या है करेले में वो है थ्रिप्स का जी, और उसके बाद आता है डाउनी पाउडर जिसको बोलते हैं वो। तो सबसे पहले आप कौन सा दवाई चलाते हैं, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ है नहीं? बिल्कुल है बिल्कुल है एक बार उसको वो पत्ते के नीचे में ऐसा छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, मक्खी लगती है, वही है? इसमें नहीं है वो, आपका क्या बोलते हैं, खीरा में ज्यादा रहता है। तो ये जो आपने सबसे ज्यादा अटैक थ्रिप्स का होता है, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है हमको देखने से? वो ना, ये जो ये है ना आपका, इसके अंदर में छुपे रहते हैं छोटे छोटे वो धीरे धीरे ना उसको, उसका रस को चूसते रहते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, उसको ग्रोथ नहीं होने देते हैं, बढ़ने नहीं देते। अभी इसमें भी दवाई नहीं चला है, शायद इसमें भी मिल जाए आपको, आपको मैं दिखाता हूँ, शायद हो, दिखेगा मोबाइल पे ऐसे करके दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत माइनर, बिल्कुल छोटे छोटे, मैं अगर देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे इसमें। इसको इसको रोकथाम के लिए कौन सा दवाई चलाएंगे आप? देखिए अभी तो इसका कई प्रकार का दवाई है, लेकिन मैं, हम लोग क्या है ना कि ज़्यादा डेलीगेट का यूज करते हैं। डेलीगेट एक अच्छा, हाँ, दवाई भी है, डेलीगेट डाउ कंपनी का आता है, हाँ। वो डेलीगेट का यूज करते हैं, उसमें क्या है कि एक बार मार दिए तो कम से कम 10-12 दिन तक
परेशान नहीं होना, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दोबारा जरूरत नहीं। और उसके बाद हम लोग आते हैं डाउनी पाउडर जिसे बोलते हैं। हाँ, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है? फंगीसाइड के लिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा इसको यूज करते रहना पड़ेगा हफ्ते में। जैसे साफ यूपीएल का वो कर सकते हैं? हाँ, साफ यूपीएल का। हाँ, मैं ज्यादा सिजेंटा और बायर का दवाई यूज करता हूँ। ओके, कोई दवाई का नाम बता दीजिएगा। मान लीजिए रेडोमिल गोल्ड हो गया। ओके, उसके बाद फिर बहुत सारे और प्रकार के दवाई है, जैसे बायर का है, बहुत सारा दवाई। दोस्तों, हमारी मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है और ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे ये धागे बंधे हुए हैं और इसको स्टेकिंग की हुई है बहुत हार्ड, बिल्कुल भी अगर इसमें देखें तो 5 किलो 6 किलो मैं वेट डाल रहा हूँ और ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। इस पे आ जाएंगे पूरे इसके लताएं, उस पे हो जाएंगी फ्रूटिंग और नीचे से इसको ऐसे कट कर लिया जाएगा ऐसे ऐसे पूरे कैंची से या ब्लेड से। तो ये सब टेक्नोलॉजी वाली खेती है, टेक्निकल है। लोग इसी पे पैसे बचाना चाहते हैं कि ये नहीं करेंगे तो उगेगा नहीं क्या, तो उगेगा। बीज आप धरती माँ है, उस पर बीज आप डालेंगे तो उगेगा तो ज़रूर, लेकिन जो कॉस्टिंग है आपका वो निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए पहले पैसा लगाइए तो फिर आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। हम लोग अभी बात करते हैं थोड़ी सी इसमें कौन सा वाला मल्चिंग जो लगाए हैं वो कौन सा है, कितने माइक्रोन का है? ये 18 माइक्रोन का है। 18 माइक्रोन बागवान कंपनी का, 3.25 फीट 3.25 फीट चौड़ाई बागवान कंपनी है और 18 माइक्रोन। तो ये एक ही फसल चलेगा या फिर से चलाएंगे इसको? इसमें डुअल क्रॉप होगा, इसमें एक बार और कुछ लगा सकते हैं। हम लोग ड्रिप देखना चाहेंगे, पाइप जो है कि ये कितना जरूरी है, माइक्रोन सॉरी मल्चिंग और ड्रिप कितना जरूरी है खेती के लिए? ये तो अभी देखिए टेक्निकल खेती में सबसे बेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरत चीज तो यही है। हाँ, बिना मल्चिंग के, बिना ड्रिप के, पाइप के, बिना ड्रिप के तो आप खेती करिए ही मत, बिल्कुल ना करिए। मतलब जो कॉस्टिंग ज्यादा लगता है वो रिकवर करके देता है। कॉस्टिंग ज्यादा लगता है बट आपका खरपतवार हो गया, घास प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा इसमें। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा खेत कितना साफ है, बिल्कुल देख सकते हैं। हम लोग इस चीज की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा। नहीं रहेगा हाँ, तो फिर आपका कीड़ा आने का संभावना बहुत कम रहता है। अरे जो घास खरपतवार है उससे कीड़े और आते हैं। हाँ, खरपतवार के वजह से ही कीड़े ज्यादा आते हैं। Okay, सबसे मेन कारण वही है। इनका कहना था कि जो खरपतवार है वो अगर आपने रोक लिया तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे क्योंकि आपका जो खाद है वो उसको नहीं जाएगा और जो पौधा है जितना पानी आप जरूरत है उतना ही डालिए अपने पौधे पे ड्रिप के माध्यम से। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इसी पे पैसा बचा करके सोचते हैं कि ज़्यादा इनकम कर लें बट वो उल्टा होता है। हमने सब कुछ पूछा इनसे लेकिन इन्होंने एक चीज़ छुपा दी हमसे कि लागत कितना लगा आपका इसमें पूरे खेती में। लागत देखिए आप प्रति एकड़ बताइएगा ताकि समझने में आसानी हो। प्रति एकड़ आप देखेंगे ना तो 1 लाख तो मान के चलिए। ये मिनिमम साइड है या हायर है, मतलब कम से कम? आपके ऊपर से लेबर कॉस्ट के ऊपर है। हाँ, कि लेबर भी होता है ना कहीं कि कोई लेबर एक का काम दो कर देते हैं, दो जन एक के काम कर लेता है तो कॉस्ट बढ़ता है लेबर का, कई बार घटता बढ़ता रहता है। लेबर जो है ना वो लेबर कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है क्योंकि आपका जब तक फ्रूटिंग वो हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो अब तक आपका मतलब लगते ही रहेगा। बिल्कुल, हो सकता है वो 1 लाख 1.25 लाख भी पहुंच जाए, मतलब मिनिमम मान लीजिए 80 से 1 लाख रुपए तक ये लगभग कॉस्टिंग। हाँ, लगभग कॉस्टिंग 1 एकड़ का लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों युवा किसान हमारे साथ जुड़े और इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मैं इनसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। और जो दो वैरायटी उन्होंने बताया दोनों ही अच्छे हैं, हम सिर्फ वो एक मजाक का पार्ट था कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। दोनों कम सीड्स अच्छे हैं तभी हमने लगाया है। दोनों कंपनी अच्छे हैं, हम किसी कंपनी को खराब नहीं कहते। और जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख करके कुछ भी आपको जानकारी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया हो तो वो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। व्यापारी जो देख रहे हैं उनको अगर फसल चाहिए कुछ ऐसा जो मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ तो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ चेक कर लीजिएगा, इनका नंबर मिलेगा और कुछ टाइमिंग मैच करके या कुछ समय देख करके ही कॉल करिएगा, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ सुबह हो गई है तो यहाँ भी हो गई हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रख के जो भी व्यापारी भाई देख रहे हैं वो टाइम मैच करके ही इनसे फ़ोन पर बात करें और बहुत ज़्यादा इरीटेट ना करें। वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो पे फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।